सवाल उनसे पूछना चाहूंगा कि 5 साल तो आप कांग्रेस के राज में एमपी रहे, 5 साल रहे ना सत्ता थी, मेरे को कहीं भी एक बयान लोकसभा में उन्होंने कभी गगर, वो गगर तो सदियों से कभी एक आवाज उठाई हो तो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूँ, कभी भी एक सवाल उठाया हो। 5 साल में दवाड़ी हलके के अंदर मेरे को एक उनसे निवेदन है कि मेरे सामने बिठाओ आप रूबरू करके, एक भी काम मैंने जितने काम किए इनको बुलाता था, क्योंकि एक संवैधानिक मान्यता है कि वो एमपी है, जब नीम पत्थर रखना है तो मुझे, क्योंकि उसका नाम हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि वो लोकसभा का सदस्य, ये एक संवैधानिक, इनके नाम ही पटल पे लिखे जाते थे और वो लिखवाने का काम मैं करता था। अच्छा, मतलब साबित क्या करें, केवी सिंह मेरे दरवाजे पे बैठे रहते थे, वो कहते थे जी ये पुल के लिए मेरे पास 70-70 जगह, अगर इस तरह की बातें करते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत गलत है। उनको भी पता है नाले खाले से लेकर के मेरी सिफारिश के बिना जो आदमी पावर में है उसकी नहीं चलती, और जो आदमी कहीं नहीं है उसकी चलती है, ये तो कमाल का लॉजिक है। तो देखिए इस तरह की घटिया बातें पहले भी इन्होंने यही करी थी, इसीलिए कांग्रेस यहाँ कमजोर हुई। काम मैं करवाता था, 45-50 हजार करोड़ रुपए मैं लेके आया, डबवाली से लेकर के हिसार तक का रोड मैंने 4 लेन बनवाया, वो खुद उसमें मेरे पास कहते थे कि जी ये इसके पास फलाने के पास चलना है, मैंने कहा चलो भाई आपका ओएसडी का तजुर्बा है, मेरा जो है सरकार का तो मिल करके काम करते हैं, पत्थर उनका तो लगना ही नहीं चाहिए था, वो भी पत्थर मैंने लगवाए, उनका क्या लॉजिक बनता पत्थर लगने का, सांसद में था, मैंने कहा चलो भाई इनका भी लगवा दो। तो अगर उन्होंने कहा है, पहली बात तो वो समझदार आदमी है, ऐसी गलती नहीं करेंगे ऐसे बोलने की, मैं ये फिर दोहराता हूँ, अगर ये बोला है तो मैं समझता हूँ कि इन आपके इंटरव्यू में बोला है तो बहुत गलत है। वो सारे जो पत्थर लगे हुए हैं गाँव में, आरओवी मॉडल स्कूल भी उन्होंने बनवाए होंगे सारे, कस्तूरबा गांधी भी उन्होंने, और गोरखपुर का न्यूक्लियर प्लांट भी उन्होंने बनवाया होगा फिर तो। तो भाई थोड़ा सा ठीक ठीक रखो, अब एमएलए उनका बेटा बनवा लेने लगवा ले, क्या लगवाना है। जो कुमार शैलजा है वो अपने भाषण में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी भैंस की बात कर रहे हैं, ये भैंस का क्या मामला, वो कहते हैं कि दो भैंस होगी एक भैंस कांग्रेस ले जाएगी, प्रधानमंत्री जी की ऐसी बात है। देखिए यहाँ पर्ची खर्ची खत्म करके नौकरियां दे रहे हैं, वो भैंस नौकरी लगवा दो, भैंस तो पता नहीं कितनी खरीद लेंगे हम, 28-30 साल क्षेत्र से दूरी होने की वजह से कुछ न कुछ मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। डॉक्टर साहब एक भारत माता की ने कहा है कि कांग्रेस जो है वो हरियाणा में हुड्डा के पुत्र मोह के कारण खत्म हुई है और सेंटर में सोनिया के पुत्र मोह के कारण। किसने कहा है? चौधरी रणजीत सिंह ने कहा है। रणजीत सिंह जी ठीक कह रहे हैं, उनको पता है सारा, वो भी बहुत जानी जान आदमी है, और यहाँ से जिस हल्के में हम घूम रहे हैं यहाँ से मंत्री रहे हैं और उनका पुराना तजुर्बा है, और सच्चाई ये है कि परिवारवाद आज देश में हावी है और भारतीय जनता पार्टी इसी परिवारवाद के खिलाफ नए नेतृत्व को जमीनी स्तर से जो उठ करके आए हैं, संघर्षशील हैं, ईमानदार हैं, जो देश के लिए मर मिटने का जज्बा लेकर के राजनीति में आते हैं उनको मौका देती है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बड़ी होती जा रही है और जो बड़ी पार्टियाँ थी वो छोटी होती जा रही है, छोटी होते होते ख़त्म होने की कगार पर है। 2024 कांग्रेस मुक्त भारत का सपना कांग्रेस ही मिल करके पूरा करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। देखिए यहाँ पर्ची खर्ची खत्म करके नौकरियाँ दे रहे हैं, वो भैंस नौकरी लगवा दो, भैंस तो पता नहीं कितनी खरीद लेंगे हम, 28-30 साल क्षेत्र से दूरी होने की वजह से कुछ न कुछ मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि कांग्रेस जो है वो हरियाणा में हुड्डा के पुत्र मोह के कारण खत्म हुई है और सेंटर में सोनिया के पुत्र मोह के कारण। किसने कहा है? चौधरी रणजीत सिंह ने कहा है। रणजीत सिंह जी ठीक कह रहे हैं, उनको पता है सारा, वो भी बहुत जानी जान आदमी है, और यहाँ से जिस हल्के में हम घूम रहे हैं यहाँ से मंत्री रहे हैं और उनका पुराना तजुर्बा है, और सच्चाई ये है कि परिवारवाद आज देश में हावी है और भारतीय जनता पार्टी इसी परिवारवाद के खिलाफ नए नेतृत्व को जमीनी स्तर से जो उठ करके आए हैं, संघर्षशील हैं, ईमानदार हैं, जो देश के लिए मर मिटने का जज्बा लेकर के राजनीति में आते हैं उनको मौका देती है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बड़ी होती जा रही है और जो बड़ी पार्टियाँ थी वो छोटी होती जा रही है, छोटी होते होते ख़त्म होने की कगार पर है। 2024 कांग्रेस मुक्त भारत का सपना कांग्रेस ही मिलकर के पूरा करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। ये ग्रामीण ट्रैक्टर पे जो लेके आ रहे हैं ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं, किसान तो कहते हैं हमारे साथ ही नहीं है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ भाई ये किसान है, किसान मजबूती के साथ है,
जो विपक्ष के बौखलाए हुए लोग हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं बेचारे, कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, वोटों की डेट आ गई जिस दिन वोट पड़ने हैं, उनका जनाधार साफ होता जा रहा है क्योंकि ज़मीन पे काम किया नहीं, मोदी जी का जादू बोल रहा है। ये ग्रामीण ट्रैक्टर पे जो लेके आ रहे हैं ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं, किसान तो कहते हैं हमारे साथ ही नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ भाई, ये किसान है, किसान मजबूती के साथ हैं, जो विपक्ष के बौखलाए हुए लोग हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं बेचारे, कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, वोटों की डेट आ गई जिस दिन वोट पड़ने हैं, उनका जनाधार साफ होता जा रहा है क्योंकि ज़मीन पे काम किया नहीं, मोदी जी का जादू बोल रहा है, देश को विकसित करने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पे लाने के लिए, उद्योग धंधों की स्थापना के लिए, पूरी दुनिया में भारतवर्ष का नाम रोशन हो उसके लिए, और पुराने जो सैकड़ों साल से काम हमारे लंबित थे इस देश की जो खराब व्यवस्था की वजह से, वो व्यवस्था जो मोदी जी ने बदली है आज उसी का असर है कि बिना पर्ची बिना खर्ची हर गांव में नौकरी देने वाले लोग मिलते हैं, हम उनका सत्कार करते हैं, वो हमारा करते हैं, और इसी तरीके से सबको साथ लेकर के और पूरा ये हरियाणा आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, हमारा सिरसा आगे बढ़े, ये संदेश हम देने में कामयाब रहे। हमारा बड़े स्तर पर जनसंपर्क अभियान चल रहा है, कल और आज हम हर घर तक जाएंगे, हर बूथ पर जाएंगे, दस्तक देंगे जा कर के, मोदी जी की राम राम देंगे, सत श्री अकाल देंगे, हमारी उपलब्धियों को गिनाएंगे और आने वाले समय में क्या करेंगे वो भी उनको बताएंगे, और उनका भी कोई सुझाव है तो वो लेकर के, और देश की तरक्की में, ये देश का चुनाव है, लोगों ने मन बना लिया कि देश चलाने वाले, देश बनाने वाले, और देश को ठीक तरीके से जिसने आगे बढ़ाने का 10 वर्षों में काम किया है नरेंद्र मोदी जी, उनको लेकर के आएंगे। बिना पर्ची बिना खर्चे के नौकरी का लगातार मुद्दा जो है वो गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों में इस चीज का वो है कि आने वाले समय में इस सरकार को दोबारा से लाया जाए ताकि ये सिस्टम खत्म हो पर्ची। बिल्कुल, पुराने टाइम में मैं तो खुद सांसद रहा हूँ, लोग पूरा का पूरा गाँव गाड़ी भर भर के आता था, वो पर्ची देता था, जी ये रोल नंबर ले लो जी, हम कहते थे दे दो, फिर एक हफ्ते बाद फिर आता था, मैं कहता था दे दिया भाई रहने दो, वो जब तक रिजल्ट नहीं आता था तब तक आता ही रहता था, इस बीच में वो किसी की ठगी का भी शिकार हो जाता था, कोई उसको कोई ऐसा आदमी मिल जाता था जो कहता था ना भाई मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा, तो आज वो संस्कृति पूरी तरीके से बदल गई है, और लोग लाइब्रेरियों में पढ़ रहे हैं, बैठ करके पढ़ते हैं, उनको पता है कि बिना पर्ची बिना खर्ची मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी तो पढ़ाई से मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि बाबा साहब का जो मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तो शिक्षा जो है अब हर व्यक्ति इस देश का, साधारण से साधारण परिवार का व्यक्ति भी वो शिक्षा लेना चाहता है और शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता है। डॉक्टर साहब, एक अगर बात करें तो आपकी गाड़ी पे हमले की खबर फैलाई गई, उसके बाद अब नैना चौटाला जो कि जेजेपी से चुनाव लड़ रही हैं उनकी गाड़ी पे हमला कर दिया गया, तो इसको किस नजर से देखिए? मैं समझता हूँ कि ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं और विपक्ष के लोग हैं, ये कोई किसान नहीं है इनमें से। आज भी एक दो जगह हमने देखा वहाँ पर हमारी गाड़ी के सामने फिर आ करके, और हमने उनको चिन्हित कर लिया है, इलेक्शन कमीशन को हम ये बात रखेंगे कि ये भाई इस तरीके की गुंडागर्दी, लोकतंत्र को कमज़ोर करने की साजिश है, ये विदेशी ताकतों के एजेंट हैं ये लोग जो इस तरीके से कर रहे हैं। दुनिया तो यही हम कहते हैं हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और वो कहते हैं कि भाई इस लोकतंत्र को हम कामयाब नहीं होने देंगे। तो मैं नहीं समझता कि जनता के सामने वो टिक पाएंगे, तो चाहे वो नैना चौटाला जी हो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, स्थानीय प्रशासन को, पुलिस हो, दूसरा प्रशासन हो, उसको और इलेक्शन कमीशन को सुनिश्चित करना चाहिए कि जितने भी उम्मीदवार हैं किसी भी पार्टी के हों, उनका फ्री मूवमेंट हो, वो अपनी बात स्वतंत्रता से रख सके, ये गुंडों का राज नहीं चलने वाला। केवी सिंह ने एक सवाल पूछा आपसे कि जब आप सांसद थे तो आपने कोई काम नहीं किया, आपने संसद में आवाज नहीं उठाई, और कहते हैं उनके नाम पर पत्थर ना लगाता था, उन्होंने कभी खबर से लेकर किसान की आवाज तक नहीं उठाई। अच्छा, मतलब करें, मैं राजनीति छोड़ूंगा, साबित क्या करें? केवी सिंह मेरे दरवाजे पे बैठे रहते थे, वो कहते थे जी ये पुल के लिए मेरे पास 70-70 जगह है। अगर इस तरह की बातें करते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत गलत है, उनको भी पता है नाले खाले से लेकर के मेरी सिफारिश के बिना, जो आदमी पावर में है उसकी नहीं चलती, और जो आदमी कहीं नहीं है उसकी चलती है, ये तो कमाल का लॉजिक है। तो देखिए, इस तरह की घटिया बातें पहले भी इन्होंने यही करी थी, इसीलिए कांग्रेस यहाँ कमज़ोर हुई,
काम मैं करवाता था, 45-50 हजार करोड़ रुपए मैं लेके आया, डबवाली से लेकर के हिसार तक का रोड मैंने 4 लेन बनवाया। वो खुद उसमें मेरे पास कहते थे कि जी ये इसके पास फलाने के पास चलना है। मैंने कहा चलो भाई, आपका वो एसडी का तजुर्बा है, मेरा जो है सरकार का, तो मिल करके काम करते हैं। पत्थर उनका तो लगना ही नहीं चाहिए था, वो भी पत्थर मैंने लगवाए, उनका क्या लॉजिक बनता पत्थर लगने का, सांसद में था। मैंने कहा चलो भाई इनका भी लगवा दो। तो अगर उन्होंने कहा है, पहली बात तो वो समझदार आदमी है, ऐसी गलती नहीं करेंगे ऐसे बोलने की। मैं ये फिर दोहराता हूँ, अगर ये बोला है तो मैं समझता हूँ कि इन आपके इंटरव्यू में बोला है तो बहुत गलत है। वो सारे जो पत्थर लगे हुए हैं गांव में, आरओवी मॉडल स्कूल भी उन्होंने बनवाए होंगे सारे, कस्तूरबा गांधी भी उन्होंने, और गोरखपुर का न्यूक्लियर प्लांट भी उन्होंने बनवाया होगा फिर तो भाई थोड़ा सा ठीक ठीक रखो। अब एमएलए उनका बेटा आप बनवा लेने लगवा ले, क्या लगवाना है। जो कुमारी सहल जाए वो अपने भाषण में कह रही है कि प्रधानमंत्री जी भैंस की बात कर रहे हैं, ये भैंस का क्या मामला? वो कहते हैं कि दो भैंस होगी, एक भैंस कांग्रेस ले जाएगी, प्रधानमंत्री जी की ऐसी बात है? देखिए यहाँ पर्ची खर्ची खत्म करके नौकरियां दे रहे हैं, वो भैंस नौकरी लगवा दो, भैंस तो पता नहीं कितनी खरीद लेंगे हम। 28-30 साल क्षेत्र से दूरी होने की वजह से कुछ न कुछ मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि कांग्रेस जो है वो हरियाणा में हुड्डा के पुत्र मोह के कारण खत्म हुई है और सेंटर में सोनिया के पुत्र मोह के कारण। किसने कहा है? चौधरी रणजीत सिंह ने कहा है। रणजीत सिंह जी ठीक कह रहे हैं, उनको पता है सारा, वो भी बहुत जानी जान आदमी है, और यहाँ से जिस हल्के में हम घूम रहे हैं यहाँ से मंत्री रहे हैं और उनका पुराना तजुर्बा है। और सच्चाई ये है कि परिवारवाद आज देश में हावी है और भारतीय जनता पार्टी इसी परिवारवाद के खिलाफ नए नेतृत्व को जमीनी स्तर से जो उठ करके आए हैं, संघर्षशील हैं, ईमानदार हैं, जो देश के लिए मर मिटने का जज्बा लेकर के राजनीति में आते हैं, उनको मौका देती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बड़ी होती जा रही है और जो बड़ी पार्टियाँ थी वो छोटी होती जा रही है, छोटी होते होते ख़त्म होने की कगार पर है। 2024 कांग्रेस मुक्त भारत का सपना कांग्रेस ही मिलकर के पूरा करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है।